ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप लोगों ने फैराडेज लॉज जो है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट के बारे में बेटे डिस्कशन किया, और आप लोगों ने ये नोटिस किया कि एज लॉन्ग एज हम बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स जो रिलेटेड टू योर कॉइल है, लिंक्ड विद द कॉइल है रादर, उसको वेरी करते रहेंगे, सो लॉन्ग एज आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इफ वी स्टॉप रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर और द क्वाइल एंड द मैग्नेट, इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी स्टॉप चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल, वी गेट नथिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा। इस चीज को सोचने का एक और भी बेटे तरीका हो सकता है, दैट इफ आप बेटे एक सर्किट इमेजिन कर लें, लेट इट बी सम सॉफ्ट आयरन कोर बेटा, एंड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आपने एक कॉपर का वायर वाइंड कर रखा है, एंड एट द लोअर एंड यू हैव अटैच्ड एक गल्वेनोमीटर ओवर हियर, एंड बेटे इसके बिल्कुल साथ आपने एक और सिंपल सर्किट प्लेस कर रखा है समथिंग लाइक दिस बेटा। सॉफ्ट आयरन का एनदर कोर है आपके पास, और आप इसके ऊपर कॉपर की अगेन वायर को वाइंड कर रखे हैं, एंड आपने यहाँ पे एक सेल या बैटरी मैनेज कर रखी है, और आपने टैपिंग की इमेजिन कर लीजिए, रिवर्सिंग की भी आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने टैपिंग की लगाना है। इस सर्किट को जैसे ही आप टैपिंग की को प्रेस करके कंप्लीट कर दोगे, आपका ये वाला पार्ट जो है, इट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन का कोर है और इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसका इसके साथ लिंकेज हो जाएगा साथ वाले सर्किट के साथ, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रेस करके रखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ, वंस इफ इट इज गेटिंग लिंक्ड, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, और अगर चेंज नहीं आएगा, यू वेल नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और आपका फ्लक्स का चेंज अगर जीरो हो गया, यू विल गेट नो इंडिकेशन इन द गल्वेनोमीटर रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा। सो आप क्या कर सकते हो, बार बार अपने सर्किट को ओपन क्लोज टैपिंग की के साथ करते जाइए, आपको आपका गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता जाएगा ऑन एंड ऑफ, कभी इधर डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटीज दैट आर गेटिंग बेटे डेवलप्ड। आपको याद होगा कल हमने थोड़ा लेंसेज के लॉ के बारे में भी बेटे बात किया था, लेंसेज लॉ क्या है, लेंसेज लॉ बेटा, ये हम आई थिंक लिख नहीं पाए थे, डिटेल में कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। लेंजेज लॉ बेटे जो है, इट स्टेट्स दैट द नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सर्किट में जो है, ये कुछ ऐसा होता है कि ये अपने ही कॉज को अपोज करता है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एक बड़ा सिंपल सा सर्किट बेटे ड्रॉ कर रहा हूं, इमेजिन कर लीजिएगा ये एक कॉइल है आपके पास कॉपर का, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल सर्किट बेटे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सिंगल टर्न हमने लिया और इसके साथ आपने एक बेटा गल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है जस्ट टू डिटेक्ट द करंट इफ एनी बेटा। आप अब क्या करोगे, एक मैग्नेट को जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल आपके पास फिक्स्ड है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस मैग्नेट टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉइल। लेंजेज लॉ एंड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर दोनों को बेटे हम बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करें, फैराडेज लॉज हमें कहते हैं व्हेन वी विल बी शिफ्टिंग दिस मैग्नेट टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर कॉइल, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट
the magnetic lines of force linked with this coil, these will get increased. ज्यादा से ज्यादा lines link होंगी और उसकी वजह से magnetic flux बढ़ जाएगा आपका. And if magnetic flux is increasing, then what will happen? आपका circuit में induced EMF होगा and induced EMF के साथ ही साथ आपका induced current भी circuit में होगा. और आप लोगों ने एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिख रखा है, E is equal to minus d phi by dt, I is equal to minus 1 upon R d phi by dt, दोनों आपने लिख रखे हैं बेटा. अब लेंज़ लॉ ऑफ इंडक्टिविटी हमें क्या कन्वे करता है कि ये जो ईएमएफ इस सर्किट में जनरेट हुआ है, अगर प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो करंट भी होगा ना. इंड्यूस करंट के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं अपना, ये मैं भूल, यस इंड्यूस करंट के लिए लॉ रूल डायरेक्शन के लिए बेटा राइट हैंड थंब नहीं, राइट हैंड रूल, सिंपली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसके अकॉर्डिंगली इफ वी विल बी होल्डिंग अवर सेंट्रल फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, with the first finger pointing in the direction of the field, magnetic field rather, the thumb pointing in the direction of the motion of the conductor, then the central finger will give us the direction of induced current that is getting produced in the circuit. So aapke is circuit mein agar induced emf develop hui hai to current bhi pakka hai isme, induced emf otherwise akeli to nahi hogi. अगर करंट है तो करंट की डायरेक्शन के लिए आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हो करंट की डायरेक्शन वर्कआउट करने के लिए. अब लेंज़ लॉ क्या कहता है कि जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर कुछ ऐसा है कि ये अपने ही कॉज को अपोज करती है. इसका कॉज क्या है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन या फ्लक्स का चेंज हो जाना. ये फ्लक्स के चेंज को कैसे अपोज करेगा, जब आप नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आ रहे हो तो आपका इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटे जो करंट है ये डेवलप हो जाएगा एंड ये वाला पोल आपका नॉर्थ पोल आपका कहलाएगा और ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ को रिपेल करेगा एंड जब ये रिपेल करेगा तब हम कहेंगे कि ये अपने ही कॉज को बेटे अपोज कर रहा है. सो लेंज़ लॉ जो है बेटा इट स्टेट्स दैट द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्वाइल इज सच दैट इट opposes its own cause बेटे. तो इसका कॉज जैसे हमने बेटे ऑलरेडी बात की है नॉर्थ पोलैरिटी डिवेलप होकर अपने आप हो जाएगा और इसको डिपिक्ट करने के लिए आप E is equal to minus d phi by dt लिख देते हो. ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर देता है कि आपका इंड्यूस EMF इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को बेटे अपोज कर रहा है. So this is बेटे your Lenz's law. एक छोटा सा बेटे और हम बात किया करते हैं your Lenz's law and principle of conservation of energy. आइए थोड़ा focus करके देखें principle of conservation of energy कैसे valid है. मैं इसी example की help के साथ आपको बेटे समझा देता हूँ. साथ ही साथ बेटा conservation of energy, conservation ऑफ एनर्जी बेटे, इस बेटे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए वंस अगेन फोकस अपॉन दिस बेटे स्मॉल सिंपल सर्किट सेटअप. व्हाट वी डू इज दैट वी ब्रिंग दिस नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ लेंज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हियर ऑन द नियरर फेस नॉर्थ पोल विल बी डेवलप, ये नॉर्थ को वो नॉर्थ रिपेल करेगा. आप अपने मैग्नेट को जब मूव करवा रहे हो फर्दर आप उस रिपल्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, यू विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क और आपका जो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट एट ऑल गेटिंग जनरेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज मियरली
the mechanical energy which is getting converted into the electrical energy, and on this basis we can say that the principle of conservation of energy jo hai that holds good beta. मैं रिपीट करूंगा सारा पॉइंट एक बार फिर से. जब आप अपने नॉर्थ पोल को इस कॉइल के सेटअप के नजदीक लेके आओगे, ड्यू टू द एंटी क्लॉकवाइज करंट गेटिंग इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इसका लोअर नियरर फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा. नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा. आप अपने मैग्नेट को अगेंस्ट दैट रिपल्शन मूव करवा रहे हो, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क, and that work done by you that will be getting converted into energy, or you can also say that the mechanical energy you are spending that is getting converted into the electrical energy, or simply the electric energy is not at all coming free of cost, that is not at any cost. So in this way our principle of conservation of energy, that is really holding all good in the case of the electromagnetic induction also. क्लियर टू ऑल बेटा डियर चिल्ड्रन. चले आगे. हाँ जी पुत्र. हाँ क्या कह रहे हो, बोलो बेटा. नहीं ठीक तो है, आगे चलेंगे रुके, चलना चाहिए. कुछ कह जाता है दबा दबा बोल जाता है. चलिए नहीं हो बेटा इसके. हाँ जी बेटे कैसे हो जाएगा ठीक, अभी छोटा है ना. सो इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. राधिका, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट लिख लीजिए, दैट विल बी मच बेटर. इंड्यूस्ड करंट को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा. डियर चिल्ड्रन हमने डिस्कस किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट बेटा. और आप लोगों ने कल बड़ी डिटेल में किया था आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है दैट इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कल या परसों किया था हमने ये, राइट. इसको अगर मैं डॉट को हटा दूं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये बात हमने कर ली हुई ऑलरेडी. ये आपके क्वाइल का अगर सिंगल टर्न हो तो ये रिलेशनशिप होगा. अगर आपके पास जैसे हमने इससे पहले अभी क्वाइल बनाया था that has got n number of turns, आपका यही relationship जो है it will be minus n d phi by dt, आप लिख सकते हो. and phi का ये वाला value जब आप substitute कर दोगे यहाँ पे, we will be getting that e is equal to minus n d dt of b into a into cos of theta. तो बड़े ध्यान से देखिएगा आपका इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस बेटा आपका जो इंड्यूस करंट है, दिस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन, पहली बात है मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करता है. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी वेरी कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, पहली बात. और ये आपने करके देख लिया है जो हमने लेंजेस लॉ में दोनों बातें की है ना, आप मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे थे, आप मैग्नेटिक फील्ड ही वेरी कर रहे थे, है कि नहीं. सेकेंडली आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एरिया ऑफ द क्वाइल. आप क्वाइल का एरिया कम कर दो, ज्यादा कर दो, आपका इंड्यूस ईएमएफ अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, राइट. एंड इसके बाद तीसरी बात, इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली एंगल थीटा पे भी डिपेंडेंट है. आपका क्वाइल कौन से एंगल पे ओरिएंटेड है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन, इफ यू रोटेट द क्वाइल, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट, आपको करंट मिलेगा, राइट. अब बेटे पहले वाला पॉइंट तो आपने फैराडेज लॉज में साथ साथ डिस्कस कर लिया,
जब आप अपने मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे थे, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे थे, वापस लेके जा रहे थे तो कम कर रहे थे, या आपने जब वो वाइंडिंग बनाकर सर्किट को मेक या ब्रेक कर रहे थे, एट दैट टाइम वी आर सेइंग दैट आपका बी वेरी कर रहा था। कैसे वेरी कर रहा था? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, व्हेन यू कंप्लीट द सर्किट मैग्नेटिक फील्ड वी विल बी म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई, व्हेन यू ब्रेक द सर्किट दैट विल बी जीरो। आपका फील्ड वेरी कर रहा है, बार 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 वेरी कर रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इंड्यूस ईएमएफ विल बी देयर, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन एंड करंट विल बी देयर। अब ये दो चीजें हमारी बेटे करने वाली हैं। हम अगर एरिया वेरी करेंगे तो क्या होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा, और अगर हम ओरिएंटेशन वेरी कर देंगे तो क्या होगा, है ना। आइए देखें एरिया के साथ आपका वेरिएशन कैसे डिस्कस किया जा सकता है। इट इज ऑल डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग मोशनल ईएमएफ बेटा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बेटे। बड़े ही ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द रीजन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड आपने अप्लाई कर रखा है, राइट बेटा। स्ट्रेंथ इसका आप कैपिटल बी कह सकते हो, राइट। इसमें आपने एक क्वाइल, रेक्टेंगुलर शेप की क्वाइल बेटा रखी हुई है, और आप इस क्वाइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच करके अपनी इंड्यूस करंट की मैग्नीट्यूड को देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, राइट। इसको आप बोल दीजिए ये एल है। अब आपने क्या किया, इस फ्री एंड पे फोर्स लगाया सो दैट इट कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, रादर आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राधिका क्या कहते हो, समझ आ रहा है साथ साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। हाँ जी बेटे, बहुत नाइस, बहुत नाइस, काम जरूर करना चाहिए। सो आइए सेकंड केस की बात करें। आपने क्या किया, स्ट्रेंथ आपके फील्ड की बी है, इसको तो आपने बदला नहीं, हम एक ही डिस्कशन कर रहे थे। आपने क्वाइल को बाहर निकाल दिया, ये क्वाइल आपके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया, और आपका ये गैल्वेनोमीटर जो है ये अगेन आपका अटैच्ड ही है, इसको आपने एल बोला था। अब आपका डेल्टा एस के बराबर पार्ट ऑफ द क्वाइल बाहर चला गया, राइट। अगर ये बाहर चला जाएगा तो चेंज इन द एरिया, दिस इज इक्वल टू बेटा यूर डेल्टा एस, आपका डिस्टेंस के लिए मैंने डेल्टा एस लिखा है, या ब्रेथ लिखना ब्रेथ लिख लो, एक्स लिखना एक्स लिख लो, इट इज अप टू यू। इट इज डेल्टा एस इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना एरिया ही होगा ना बेटा, इतना एरिया आपका कम हो रहा है। समझ आई बात? नहीं आई, वेरी बैड। इधर देखो ये एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही हुआ, अरे ये डेल्टा एस सी एल कितना हुआ, एल इंटू डेल्टा एस सी एंड डेल्टा एस इंटू एल, इतना आपका एरिया में डिक्रीज आ गया। और आप जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ माइनस बेटा डी फाइव बाई डी टी माइनस डी डी टी ऑफ बी इंटू ए के बराबर आपने कर रखा है। और आप फर्दर मोर अगर बात करो बेटा, आप इसको कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हो बेटा, ईएमएफ जो आपके इस क्वाइल में इंड्यूस हुई है माइनस बी, तो आप बदल नहीं रहे हैं, आप बी थोड़ी चेंज कर रहे हो, कि कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। इट इज डी डी टी ऑफ ए को, डियर चिल्ड्रन आपने क्या लिखा था, एल इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस की जगह पर आप एक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, यू आर फ्री, राइट बेटा। इट विल बी इक्वल टू माइनस बी। अब देखो लेंथ को भी आप बदल नहीं रहे, ये चीज थोड़ी बदल रही है, ये तो उतनी है,
इसमें चेंज आ रहा है, और बाहर निकाल दोगे तो डेल्टा एस बढ़ जाएगा, अंदर कर दोगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे करके भी देखना है साथ साथ। सो दिस इज डेल्टा एस अपॉन डी टी, डेल्टा एस को आप डी एस लिख लो या डेल्टा ही रहने दो। तो ये आपका बेटा ई एम एफ जो होगा बी एल, जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस डेल्टा एस अपॉन, इसी को मैं डेल्टा टी या डी टी कह देता हूं, लेट इट बी एस सच। ये डिक्रीज इन द क्या है, ब्रेथ या दिस पैरामीटर ऑफ द सर्किट है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, नेगेटिव साइन डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी स्पीड दे देगा। तो आप लिख देंगे ई इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू बी, दिस इज ओनली कॉल्ड मोशनल ई एम एफ। मोशनल ई एम एफ क्यों, आप अपने क्वाइल को मूव करवा रहे हो, इसके मोशन की वजह से आपके क्वाइल के सेटअप में इंड्यूस ई एम एफ डिवेलप हो गई, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया, इसीलिए इसको बेटा मोशनल ई एम एफ कहा जाता है। यू आर टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो दिस इज हाउ बेटा वी कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस ई एम एफ इन सम सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक, इन द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स बाई द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाइल बेटा, राइट। ज्यादा से ज्यादा बेटे हम क्या कर पाएंगे, आपका जो ये रेक्टेंगुलर शेप का क्वाइल है इसको आप फील्ड के अंदर ले जाइए, फिर बाहर ले आइए, अंदर ले जाइए, बाहर ले आइए, रिपीट करते जाइए इस प्रोसेस को। उससे आपका फ्लक्स रेगुलरली वेरी करता रहेगा, और अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो इंड्यूस ई एम एफ या आप इसको मोशनल ई एम एफ कह रहे हो आपको मिलती चली जाएगी। एक बात अपने माइंड में जरूर रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही एनर्जी, आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, द मैकेनिकल एनर्जी यू आर स्पेंडिंग दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू वट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा 2 मिनट का काम, बस 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम आपका मैं। आइए देखें, आप अगर एंगल बदल देते हैं, रोटेशन कर देते हैं, तो कैसे बेटे आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द रोटेशन, हाँ जी पुत्र, बनेगा बनेगा, लेकिन बना के दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बने। अरे नहीं, आइए 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 देखें, कोई बात नहीं। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भव्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका, और इस फील्ड में आपने एक कंडक्टर प्लेस किया, कंडक्टर का लेंथ बेटा कितना है, एल के बराबर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। पेन दीजिए अगर आपके पास है तो, आगे से लेने चलेगा, आपकी कॉपी में पड़ा तो है, ले आओ ले आओ, दे दो अब। ओके, ये आपका बेटे मान लीजिए कंडक्टर है कॉपर का, आपने फील्ड में रखा हुआ है इसको ऐसे, दिस वे, अगर आप इसको रोटेट कर दोगे ऐसे, टर्न कर दोगे ऐसे, राइट, तो एंगल थीटा ओरिएंटेशन बदल रही है, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ और करंट डेवलप हो जाएगा अगर ये कंडक्टर का होगा तो। तो आइए देखें बेटा, व्हेन वी विल बी रोटेटिंग इट इनसाइड दिस बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बड़े ध्यान से समझिएगा सोचिएगा बेटा, ये आपका कुछ इस तरीके का सर्कुलर ट्रैक प्रेस्क्राइब करेगा, आप सर्कुलर ट्रैक हल्का हल्का दिख रहा है ना आपको, ये चलिए मैं डार्क कर देता हूं, ये आपका सर्कुलर ट्रैक, जिस ट्रैक में आपका कंडक्टर रोटेट कर रहा है,
हाँ जी हाँ, पेन दीजिए फिर से एक बार, बस ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, उत्तर ध्यान दो, आपने सेंटर फिक्स कर दिया, इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक है, वो तो मैं आपके समझाने के लिए आपको कह रहा था कि ऐसे 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 ऐसे, आपने एक जगह फिक्स कर दी, यू रोटेट इट दिस वे, राइट बेटे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू बेटा। सो वी विल बी हैविंग बेटा दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, टी टाइम के बाद राधिका आपका एंड ए जो है ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और इसने एंगल यहाँ पे मान लीजिए अल्फा ट्रेस किया है बेटे, आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई बी इंटू ए के बराबर होता है ना बेटा, बी आपके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, इसको आप इस बी पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका फाई जो होगा इट विल बी बी बेटे, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल मान लेंगे हम एक, सुन तो लो एक मिनट, आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट नजदीक है, काफी दूर नहीं है, ये आपका ऑलमोस्ट एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लें, तो करते हैं कर्व भी करते हैं, चिंता क्यों करते हो आप, कर्व लेके चलेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी। आपको ये एच का नहीं पता, बेस तो आपका एल के बराबर है ही है, सो फाई विल बी इक्वल टू बी 1/2 और बेस आपका लेंथ के बराबर, हाइट हमें नहीं पता, जरा ध्यान से देखिएगा इधर, ये मैंने कंपास यहां पे रखा और ऐसे एक आर्क लगा दिया, राइट, एंगल थीटा या अल्फा इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द कंडक्टर और द सर्कल, राइट, ए बी आपका आर्क का लेंथ एल अल्फा आ गया जी, आपका पॉइंट एड्रेस हो गया, कोई शक तो नहीं रह गया, इसमें पुट कर दीजिए, इट इज एल इंटू अल्फा, राइट है, हाइट कह लो ए बी कह लो कुछ कह लो, आपको ए बी चाहिए था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही लगाएंगे, दिस इज 1/2 इंटू बी एल स्क्वायर इंटू अल्फा बना, इंड्यूस ईएमएफ राधिका किसके बराबर होता है, अरे नहीं गुड़िया माइनस डी फाई बाई डी टी नहीं कहोगे आप इसको यहां पुट करिए, आप वैल्यू पुट करवाइए, ई माइनस डी डी टी ऑफ क्या लिखूं, वो कहता रहने ही दो जी कोई बात नहीं, रहने क्यों देना बेटे, कर लेते हैं साथ साथ, कॉन्स्टेंट्स को बेटे बाहर निकाल लें डेरिवेटिव से, है ना बेटा, सो ई एल इट इज माइनस 1/2 बी एल स्क्वायर डी अल्फा बाई डी टी, बेटे डी अल्फा बाई डी टी आपको कहीं देखा देखा नहीं लगता, इट इज नहीं 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 एरिया नहीं भाई, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे नहीं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बेटा, यस, सो आपके पास ईएमएफ बन गया 1/2 बी एल स्क्वायर इनटू ओमेगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप बेटे ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जितना आपका इंड्यूस हुआ है वो निकाल सकते हो, राइट बेटा, एक बार मुझे ब्रीफली द्वारा इसको बताने दीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया, मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर लिया हमने, कंडक्टर को उत्तर रोटेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब आप रोटेट करोगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडक्टर में इतना आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग इट बाई द रेजिस्टेंस, और ये निकालने के लिए आपको फ्लक्स चाहिए था जो इसके साथ लिंक हो रहा है, और फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए का प्रोडक्ट है, ए आपको कितना चाहिए, ये वाला एरिया आपको चाहिए था, ये एरिया
अगर मैं इसको छोटा सा ट्रेंगल या छोटा सा सेगमेंट मान लू तो इट विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कह सकते हो आप। हाइट के लिए हमने इसको वो एंगल का डेफिनेशन लगा दिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंड आर्क लेंथ आपका ए बी है, रेडियस एल है, ए बी एल अल्फा के बराबर आपका आ गया, और दिस इज बी 1/2, बेस आपका लेंथ के बराबर ऑलरेडी है, इसको आपने एल अल्फा लिख दिया बेटा, और आपका ये सारे का सारा हाफ बी एल स्क्वायर इंटू अल्फा के बराबर आ गया। देन हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया डायरेक्टली, और जो आपके पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट्स हैं जो नहीं वेरी कर रहे हैं इनको बाहर निकाल लिया डेरिवेटिव से, जैसे हाफ है, बी है, एल है, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे देगा। अगर एक बार जान पहचान कर लें, आपका बी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, एल आपका कंडक्टर का डायमेंशन और द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ओमेगा इट इज एंगुलर वेलोसिटी बेटे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आपका कोई पॉइंट है प्लीज बैठो तो बताइए बेटे। आई कैन सी आदित्य, गुंजोत, हर पर नाम, मान्या, पावन, सिया, वंशिका, अंशिका, अभय एंड आर्यन, भूमिका, ध्रुव, मानविया, रोहन, भारद्वाज, तानिश, वंश, नूर, ऑल वेल बेटा, थैंक यू ऑल बेटे।